वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में TQM भी बोलते हैं। जो TQM है उसमें तीन चीज़ें हैं, टोटल, क्वालिटी और मैनेजमेंट। टोटल इन द सेंस है कि जो पर्टिकुलर बिजनेस है उसका कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात हम नहीं कर रहे, हम उस बिज़नेस के ओवरऑल हर लेवल की हम बात कर रहे हैं। कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन जो अपने ओवरऑल डिपार्टमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड है उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। क्वालिटी का मतलब ये है कि क्वालिटी, हम इन क्वालिटी इन प्रोडक्शन एंड क्वालिटी इन सर्विस की बात यहाँ पर हम करेंगे, और क्वालिटी जो है हम इम्प्रूव करने की यहाँ पर हम बात करेंगे। फिर आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है आपको पता है, मैनेजमेंट मींस मैनेज रिसोर्सेज टैक्टफुली, कि जो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। तो जो अपना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हुआ उसके अंदर हम ये समझेंगे कि जो TQM है वो क्या है, आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। इट इज़ ए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट अप्रोच एंड इट इज़ फंडेड ऑन द टेनेंट दैट क्वालिटी कैन बी मैनेज्ड एंड दैट इट इज़ ए प्रोसेस। क्वालिटी इज़ ए वे ऑफ मैनेजिंग, नॉट टेक्निकल एक्टिविटी। क्वालिटी मीन्स समथिंग मोर देन जस्ट द बेसिस आउटलाइन इन ISO 9000। जो अपना ISO सर्टिफिकेट होता है या फिर आपका ISI जो सर्टिफिकेट होता है, हम वहाँ पे क्वालिटी को मेज़र करते हैं। यहाँ हम ISI के अलावा बियॉन्ड जो और क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं उनकी यहाँ पे और बात करेंगे। तो जो TQM है उसका हमने यहाँ पे बेसिक्स पढ़ा। अब जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट से कैसे डिफरेंस करता है, थोड़ा हम वो पढ़ लेते हैं, फिर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को डिटेल में समझेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने TQM और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस में डिफरेंस को यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है आपका क्वालिटी प्लानिंग, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है TQM के अंदर तो आपको मिलेगा, और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस के अंदर ये नहीं मिलेगा। फिर है चेंजिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड सप्लायर। जो अपना TQM होता है वो एज्यूम करता है कस्टमर और सप्लायर एज ए पार्ट ऑफ एंटरप्राइजेज हैं, जो जबकि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस के अंदर ये एज्यूम किया जाता था कि जो आपके कस्टमर और सप्लायर हैं वो कहें आउटसाइडर ऑफ द एंटरप्राइजेज हैं। तो यहाँ पे आपने ये भी चीज़ देखी कि TQM ने इनको चेंजिंग रिलेशनशिप के अंदर कस्टमर और सप्लायर को इंटरनल पार्ट माना है, एंटरप्राइजेस का पार्ट माना है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं, TQM व्यू ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट एंड प्रोसेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट, वाइल ट्रेडिशनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इज मोर फोकस ऑन इंटरनल कंपोनेंट। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि TQM के अंदर हमने कस्टमर और सप्लायर को इंक्लूड किया, जबकि जो आपका ट्रेडिशनल मैनेजमेंट था वहाँ पे इसे हम इंक्लूड नहीं करते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपका ट्रेडिशनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो मोर फोकस करता है इंटरनल कंपोनेंट पर कंपेयर देन एक्सटर्नल कंपोनेंट। इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हम TQM को देखते हैं तो TQM के अंदर हमें मिलता है कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट है उन दोनों का ही हम ध्यान रखते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन चेंज की हम बात करें, इन TQM इज़ ए नॉट कंटिन्यूस चेंज एंड इनोवेशन इन द प्रोसेस। जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज है वो इनोवेशंस की फॉर्म में लिया जाता है, कंटिन्यूस रहता है, जबकि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ये बोलती है कि प्रैक्टिस द की इज़ द बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस, कि जो प्रैक्टिस की है वो क्या है, आपका मैनेजमेंट प्रोसेस का एक पार्ट है। फिर टीम वर्क की बात करते हैं, TQM मोर फोकस करता है किस पे, आपके एक्रॉस एंड क्रॉस फंक्शनल प्रोसेस एंड डिपार्टमेंट पे, जबकि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट किस पर फोकस करता है, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट पर फोकस करता है। जैसे हमने शुरुआत ही की थी, यहाँ TQM के अंदर हम स्पेसिफिक कंपनी या स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की बात नहीं करेंगे, हम ओवरऑल डिपार्टमेंट की यहाँ पे बात करेंगे। फिर हम बात करें मोटिवेशन एंड जॉब डिज़ाइन। TQM जो है प्रमोट करता है लीडरशिप स्टाइल को, वेयर पीपल आर मोटिवेटेड टू टेक ओनरशिप ऑफ जॉब रैदर दैन जस्ट फोकसिंग ऑन द फंक्शनल एक्सपर्टाइज। यहाँ पे मोटिवेशंस को फील करते हैं क्योंकि पर्सन जो है वो लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करते हैं, जबकि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के अंदर जो फंक्शनल एक्सपर्टाइज थे वो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के अंदर फंक्शनल एरिया पर ही फोकस करते थे। अब हम समझेंगे कि जो TQM है वो है क्या, देखेंगे कि जो हमने जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है उसका हम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट से कैसे यहाँ पे कंपैरिजन किया। अब हमें समझते हैं जो TQM है उसके अंदर कौन कौन से हम फ्रेमवर्क और प्रिंसिपल यूज़ में लेते हैं। फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो 7M जो रहते हैं वो रहते हैं माइंड, मोटिवेशन, मिशन, मनी, मशीन, मटेरियल और मैन पावर। और प्रिंसिपल की बात करते हैं तो TQM के अंदर जो प्रिंसिपल फॉलो होते हैं वो क्या है आपका, जैसे फर्स्ट है फॉलो द डिवाइन प्रिंसिपल, वर्क इज़ ए वर्कशिप।
सेकंड क्या है, वर्क इज ए सुप्रीम इन द मेयरली वर्क कैन बी लीड टू द क्वालिटी, कि यहाँ पे हम वर्क को वर्कशिप की तरह मानते हैं और वर्क से हम क्वालिटी को क्या करते हैं, सुपीरियर करते हैं। फिर है आपका कमिटमेंट इज द एसेंशियल फॉर एक्शन, हम इसमें पहले से ही कमिटमेंट करके चलते हैं कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस करेंगे। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन इज क्रूशियल, इसमें जब हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों पर फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है। फिर है आपका फोकस ईच एंड एवरी एक्टिविटी लीड टू बेटरमेंट, कि हम ईच एंड एवरी एक्टिविटी का यूज़ बिजनेस के बेस्ट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज के करने के लिए करते हैं। फिर है सेल्फनेस एक्शन टुवार्ड द वर्क एकम्प्लिश, हम वर्क एकम्प्लिश पर ध्यान देते हैं, हम टोटल परफेक्शन लाते हैं, क्वालिटी में जो इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो जो आपके TQM के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं, उनमें एक था सस्टेन मैनेजमेंट कमिटमेंट ऑन क्वालिटी, कि क्वालिटी का हम सस्टेन मैनेजमेंट कमिटमेंट लेते हैं। और फिर हम प्रिवेंटिंग रैदर दैन डिटेक्टिंग डिफेक्ट, हम क्या करते हैं डिफेक्ट को प्रिवेंट करने की बजाय हम क्या करते हैं डिटेक्ट करके उसको रिमूव कर देते हैं, कस्टमर पर हम फोकस करते हैं, यूनिवर्सलिटी क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरा करते हैं और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और लर्निंग को हम इंक्रीज़ करते हैं। तो हमने देखा कि जो आपका TQM है वो कहीं ना कहीं क्या है, बेटरमेंट है ट्रेडिशनल अप्रोच से। इन सभी पॉइंट्स को यदि आप कंपेरिजन करके आप यहाँ समझाएंगे तो यहाँ पर अपने TQM को हम यहाँ पर पूरा कर लेंगे। तो हमने TQM के अंदर ये पढ़ा कि TQM है क्या, उसके अंदर किन किन चीज़ों को हम समझते हैं। थैंक्स।